the national park. Ab hum log jo hai na hike yahan se start karenge. मैं ना रिसितुंतुरी नेशनल पार्क में है, तो हमने एक छोटा सा ट्रेल है जो हम ले रहे हैं, और फिर उसके बाद वहाँ से आगे पीक पे जाएंगे. इस जो हट है उसका नाम भी रिसितुंतुरी है, फ्री हट है, विल्डरनेस हट है. तो आज मज़े में आराम से फ्री में रहेंगे. ये ट्रेल का स्टार्ट है, और स्टार्ट में इतना खूबसूरत है, ट्रीज देखें. क्योंकि बेसिकली ये बहुत छोटी सी हाइक है हट तक जाने के लिए, तो अभी 0.8 रह गया. चलते हैं हट. व्यूज चेक करें, जगह बहुत खूबसूरत है. स्पेशली अभी जबकि सारी ट्रीज जो है ना वो फ्रोजन है, तो हम लोग ऑलमोस्ट हट के करीब पहुंचने वाले हैं. या मे बी ये टॉप हो, ये स्पीक कर ऑलमोस्ट टॉप पहुंच गए. इस बेंच पे बैठने के सिर्फ एक ही मकसद है, व्लॉग बनाना. फ्रोजन बेंच पे वैसे बैठने को दिल नहीं कर रहा. हट पहुंच गए हैं. यहाँ पे कुछ लोग जो है ना वो बारबेक्यू वगैरह कर रहे हैं. आज रात हम लोग यहाँ पे रहेंगे. मोस्टली लोग जो है चले जाएंगे डे ट्रिप के लिए, आए हैं साथ वाले सिटी से. तो देखते हैं आज रात कैसे गुजरती है यहाँ पे सर्दी में. हम अभी ड्रोन उड़ा रहे थे, और हमारा जो ड्रोन है ना वो जम गया. स्पेशली उसकी जो गिम्बल है, कैमरा, उसके सामने सारा कुछ जो है ना वो जमा पड़ा, इसलिए हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था. हम लोग इधर नाइट फोटोग्राफी करने के लिए आए थे, लेकिन अभी जो है ना यहाँ पे बहुत सर्दी है, और आधे घंटे बाद ही जो है ना सब कुछ जम गया. मैं चले अब वापस हट. अब जो है ना सुबह सुबह लगे हुए हैं पिछले एक घंटे से. यहाँ पे बेसिकली लकड़ी काट के आपको रख के जानी होती, ताकि नेक्स्ट गेस्ट जब आए तो उसके पास लकड़ी हो.
यहाँ पे अभी थोड़ा सा मौसम क्लियर हुआ है। यहाँ पे आजकल जो है ना 3 घंटे के लिए सूरज निकलता है, कभी कभी निकलता है क्योंकि क्लाउड्स काफ़ी हैं आजकल, तो जब भी निकलता है ना तो लाइट हमेशा जो है ना वो रेड रेड सी रहती है। तो आपके पास गोल्डन आवर जो है ना ऑलमोस्ट 3 घंटे का होता है, तो फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है। तो लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे फ्रीज हो रहे हैं, थोड़ी देर और यहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद नीचे जो है ना गाड़ी की तरफ जाएंगे। इसके जो है ना पैर फ्रीज हो गए बेचारे के, ये जो है ना अभी हैंड हमारे फुट वार्मर जो है ना वो हमने अंदर रख दिए, तो हैंड वार्मर से ना अपने पैरों को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, ये हमारे ट्रिप का सबसे अच्छा दिन गुजरा है। इतनी खूबसूरत जगह हम पीक के टॉप पे हैं और अचानक से मौसम भी क्लियर हो गया। आप देख सकते हैं पीछे सूरज है, उसके जो कलर्स हैं माशाल्लाह, अब बंदा क्या कह सकता है इसका। ठीक है, मज़े हो गए आज तो, पैसे पूरे हो गए हैं बस आज जो है ना हमारे, जितने भी हमने लगा वैसे तो पहले दिन ही पूरे हो गए थे, लेकिन ये जो है ना इसने पूरे करा दिए हैं। पता नहीं चला कि जो है ना एक्साइटमेंट के पैर जो है ना उनकी फुल टाइम पैक हो गई है, अब आवाज़ चल रही है, बूथे पे बच रही है, बोला जा नहीं रहा और मौसम जो है ना वो फिर से ख़राब हो गया है। तो अभी हमें यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर और है, तो आराम से वो करेंगे, बस पैर जो है ना वो थोड़े से गर्म हो जाए, बाकी तो सब ठीक ठाक है। चलते हैं फिर नीचे। और इसके साथ हमारा ट्रैक ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, आई रियली अप्रिशिएट इट। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।